एक तरफ पति की लाश थी तो दूसरी तरफ रोती बिलखती तीन बेटियां। खुद बदहवास हुई जा रही थी वो खुद संभालती या बच्चियों को। ऐसे हालात में जब पति के शव के अंतिम संस्कार के लिए फूटी कौड़ी भी पास में ना हो, नेता रिश्तेदार और पड़ोसी भी मदद को आगे ना आ रहे हो, ऐसा दृश्य अलीगढ़ के थाना सासनी स्थित पक्की सराय में देखने को मिला, जहां बेटा ना होने के कारण पत्नी ने ही पति को चिता को मुखाग्नि दी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में तैनात आशा कर्मी सुलेखा के पति मनोज वर्मा की लीवर और किडनी की बीमारी से लड़ते हुए मौत हो गई। तो वहीं लंबे समय से चल रहे इलाज में काफी खर्च हो जाने के चलते घर में पैसा नहीं बचा। पति की मौत के बाद कोई भी दाह संस्कार में मदद को आगे नहीं आया। पति की मौत के बाद शव यात्रा के लिए चार कंधे भी घर नातेदार पुरुषों के न मिलने पर सुलेखा ने मानव उपकार शव यात्रा वाहन का सहारा लिया। उसके बाद जिस पत्नी ने अग्नि के साथ फेरे लेकर पति का साथ सात जन्मों तक निभाने के लिए कसम खाई थी, आज उसी पति की चिता का अंतिम संस्कार करते हुए मुखाग्नि देकर विदा किया गया। उसके बाद पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। इसलिए आपने तो क्या आपके कोई देवर या कोई भतीजा किसने नहीं थी? बता दें कि घर में पत्नी सुलेखा और सिर्फ तीन बेटियां 12 साल की भानवी, 9 साल की वंशिका और 5 साल की आशी के अलावा कोई भी पुरुष नहीं है। पति की मौत के बाद जब अर्थी को कंधा देने कोई नहीं आया तो सुलेखा ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए पति का अंतिम संस्कार करते हुए मुखाग्नि देकर विदा किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।